मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस उन्नत भारत अभियान के अनोखे कार्यक्रम के लिए आए हुए देश भर के प्रतिनिधि भाई और बहनों, उन्नत भारत प्रधानमंत्री जी मोदी जी की एक अद्भुत परिकल्पना है और उसको यथार्थ करने के लिए हम यहाँ आए हैं। कल्पना यह है कि छात्र कॉलेज के, विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स विल गो टू नियर बाय विलेजेस, दोज हु हैव अर्बन बैकग्राउंड विल गेट एक्वेंटेड विद द विलेज लाइफ एंड विलेज प्रॉब्लम्स, एंड दोज हु आर फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड एंड आर फ्रॉम विलेजेस विल सी टू देयर ओन विलेजेस विथ a new enlightened view of how problems can be solved. भारत गांव में बसा है और हर गांव की एक अलग विशेषता है। समस्या बहुत है लेकिन उत्तर पाना संभव है और गांव के लोग अच्छे होते हैं अगर उनको सहभागिता करके कार्यक्रम करेंगे तो होगा। बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर चित्रकूट के पास एक गांव में मैंने 2 साल काम किया। उस गांव का नाम है पालदेव। गरीब, बैकवर्ड, पहाड़ उत्तर प्रदेश में और गांव मध्य प्रदेश का आखिरी। जब मैं गया और हर क्षेत्र में कुछ काम करता हूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मेरी स्टोरी नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उन्नत भारत अभियान में हमें एक्चुअली क्या करना है, क्या अचीव करना है। ये केवल देहात का प्रवास नहीं है, ये केवल देहात में जाके कोई भाषण देने का काम नहीं है, ये देहात में जाकर हम बड़े पढ़े लिखे हैं और हमारे पास सॉल्यूशन है और आपको कुछ नहीं समझता, ये बताने के लिए नहीं है। गांव वालों की समझ बहुत हमारे से भी ज़्यादा होती है, यह हमें जाने के बाद पता चलता है। ये गांव को सिखाने के लिए नहीं, हम खुद सीखने के लिए जा रहे हैं और ये भारत का सही दर्शन है और भारत दर्शन होगा तभी छात्रों की शिक्षा एक पूर्ण शिक्षा होगी। केवल किताबों में जो पढ़ते हैं वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा देहात में जाकर उसकी समस्या को समझकर, उनके लोगों को समझकर जब करेंगे तब हम भारत के सही सैनिक होंगे, विकास के सही दूत बनेंगे। और इसलिए जो हमने किया उसकी एक स्टोरी 5 मिनट में बताता हूँ। मैं गया तो स्कूल में मैं जाता ही हूँ, तब तो मैं शिक्षा मंत्री था भी नहीं, लेकिन मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा सभी पुरुष और महिलाओं की, बाहर देहात में तो तबीयत अच्छी है लेकिन बच्चों का बहुत तबीयत ठीक नहीं है, पेट बड़ा है, तो क्यों है? तो देखने के बाद मैंने तुरंत डॉक्टर को बताया तो उन्होंने देखा तो सबके पेट में वॉर्म्स थे, कीड़े थे, तो डीवॉर्मिंग का हमने दवा दिया। हर 3 महीने में दवा देने लगे, लेकिन हमने ढूंढा कि कहाँ से आता है, तो हमें पता चला कि 26 हैंडपम्प है जिससे वो पानी लेते हैं, पानी पीते हैं और वही स्नान करते हैं, वही सब गंदगी अंदर जाती है और वही पानी से ऊपर आती है। और इसलिए हमने वहाँ सीमेंट का पूरा और पत्थर का लगा के एक 50 फीट दूर उसका पानी निकल जाएगा, ये व्यवस्था की, तो बहुत सारा परिणाम अच्छा हुआ। अब तो मैंने एक 10,000 रुपये का एक हैंडपम्प पर ये है मशीन है कि जिससे क्लोरिनेशन परफेक्ट होता है, वो मैंने आने देहातों में लगाने का काम शुरू किया है। मुझे सबसे अच्छा और सबसे आसान लगा। फिर हमने स्कूल में टीचर्स को बुलाया, टीचर्स कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो टीचर्स को बुलाया तो मैंने कहा कि 10वीं का रिजल्ट कितना है, तो बोले 11% और 12वीं का कितना है, 28%। मैंने कहा 12वीं को छात्र कहाँ से आते हैं, बोले 5-7-8 किलोमीटर से आते हैं। कैसे आते हैं, साइकिल से आते हैं। मैंने कहा इसका मतलब उनको सीखना है, उनको पढ़ना है, आप पढ़ा नहीं रहे, ये काम आपका है, मैं भी आपके साथ रहूँगा, हर महीने आता रहूँगा। उनको मैंने डाइट का ट्रेनिंग कराया, स्पेशल डाइट का ट्रेनिंग कराया, तो उत्साह से लबलब भर के आए
फिर रेमिडिएशन क्लास शुरू किया, एक घंटा पहले आते थे, एक घंटा बाद में जाते थे, सभी टीचर्स आने लगे। और मैंने पेरेंट्स को भी कहा कि छात्र को तीन सवाल निश्चित पूछना है। पहला सवाल कि आज सारे अध्यापक आए थे क्या, दूसरा सवाल आज क्या पढ़ा, तीसरा एक अपने सामने नज़र के सामने एक घंटा उसको अध्ययन के लिए बिठाना है। ये तीनों काम शुरू हुए, फिर एक माहौल ही बदला शिक्षा का, और उसके साथ साथ परिणाम ये हुआ कि 11% बिकेम 51% एंड 28% बिकेम स्ट्रेट 82%। दिस हैपन्स, दिस इज अ चेंज वी नीड टू ब्रिंग इन। हमने कुछ नहीं बदला, मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया, मैंने केवल वहाँ के लोगों को प्रेरणा दी और वहाँ के लोगों के साथ काम करने का एक सिस्टम तैयार किया और गांव को भी स्कूल एजुकेशन में सहभागिता दी। जो मिड डे मील था, वहाँ हाइजीन ठीक हो, वहाँ बर्तन ठीक हो और वहाँ हाइजीन से करे बच्चे, 5 दिन का कोर्स हमने किया, हाथ कैसे साफ रखे, नाखून कैसे काटे, बाल कंघी कैसे करे, फिजिकल स्वच्छता कैसे रखे, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने गांव का एक सर्वे किया तो गांव में एक हेल्थ मेला लगाया, उसमें आए 114 कैटरेक्ट के पेशेंट थे। हमने एक शिविर आयोजित किया, वहाँ अच्छा ट्रस्ट चित्रकूट में था, उनको बुलाया, ऑपरेशन किए, 114 लोगों को नई दृष्टि मिल गई, कैटरेक्ट खत्म। फिर हमने महिला डॉक्टर को भी लिया, मेरे एक दंपति JNU में पढ़े लिखे नौजवान दंपति मेरे लिए वहाँ रहते भी थे और वहाँ काम करते थे, रोज़ 5 दिन वहाँ गांव में जाते थे, उससे उनका प्यार मिला है, मई महीने में एक बार जाता था। और जाते कर फिर वो महिलाओं के आरोग्य के पर्सनल हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, उनको एक एक घर में विजिट करके पर्सनल उनका समस्या और उनका निदान, एक डॉक्टर और मेरे जो दो हमारे कपल था एक, तो उसमें जो लड़की थी, महिला थी, वो और वो दोनों जाके डॉक्टर, वहाँ हमने महिलाओं के आरोग्य का काम किया। फिर हमने लड़कियाँ वहाँ, हमने देखा कि पुरुषों की तबीयत तो अच्छी है लेकिन लड़कियों की उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लड़कियों को खेलने का उस गांव में परंपरा नहीं है, या खेलने का समय या फुर्सत या जगह नहीं मिलती, फुर्सत है लेकिन जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मैंने एक 30,000 रुपये के ऐसे औजार उपकरण ले गए हम वहाँ, और वहाँ के दो लड़कियों को यहाँ ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग दे के उसका उपयोग कैसे करें, साथ खेले कैसे, ये देखा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज 100 से ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ खेलती है, और वो तबीयत सबका अच्छा हो गया। एक लड़की मुझे शुरू में ही मिली जिनका ये नमक के अभाव में जो होता है गले पर, तो वो हो गया था, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाया, तो वो लड़की मुझे क्या कही, उससे सामाजिक शिक्षा हमें मिलती है। तो हमने ये किया कि लड़की ने कहा कि सर मेरा रिपेयर मत करो, मुझे अगर मैं ठीक बन जाऊंगी तो मेरी माँ तुरंत जल्दी शादी करा देगी, यानी वो कॉलेज में जा रही थी, उसको डर था कि मुझे ग्रेजुएट करना है, ग्रेजुएट होने नहीं देगी माँ, तो इसलिए ये। लेकिन हमने उपाय किया, सचमुच में उसने कहा वैसे ही 6 महीने में उसकी शादी करा दी माँ ने। फिर हमने महिलाओं के बचत, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऐसे 11 जो कुछ एक दो थे मरे पड़े थे, उनको जीवित किया, उनको प्रेरणा दी, उनके साथ बैठे, मैं जाकर खाट पर ही बैठता हूँ और सबके साथ चर्चा करता हूँ और भाषण नहीं देता, और उसके कारण ये हुआ कि सबका विश्वास पैदा हो गया, 11 अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करने लगे। और इसका परिणाम क्या हुआ, एक वीमेन एम्पावरमेंट हुई, सब घर में जाकर हर घर का जनधन का खाता खुलवाया। मेरे वहाँ जाने के बाद लगभग हर साल 25-30 बच्चियाँ पैदा होती महीने साल में, तो उनके सबके सुकन्या समृद्धि के अकाउंट खोले। फिर महिलाओं को दूसरा काम मिले इसके लिए प्रयास किया, तो उनको सिलाई से लेकर अनेक अनेक काम नए स्वरूप से मिल गए, चित्रकूट से जोड़ा, मार्केट से जोड़ा, और महिलाएं अच्छा काम करने लगी, कमाने लगी। ये सब होने के बाद 2 साल के बाद जब मैं जाने निकला, तब एक महिला घूंघट वैसे का वैसा ही था, लेकिन उसने कहा सर
आप आए, हमारे साथ काम किया, हम स्टैंड हो गए। ये जो स्टैंड हो जाने की भावना है, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है। ये गांव को खड़ा करना है, ये गांव को स्वावलंबी बनाना है। गांव का उद्धार हम जाके बाहर से नहीं करेंगे, गांव वाले ही, उसमें सब पोटेंशियल होता है, हमें केवल थोड़ी मदद, थोड़ी दिशा, थोड़े सॉल्यूशंस देने का काम करना है। हम भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं। सरकारी योजनाएं हैं, अनेक योजनाएं हैं, कौन सी है हमने देखा, और उस योजना का अमल सही हो रहा है कि नहीं। आज सभी घरों में शौचालय बन गए, आज सभी जगह उसका परिणाम दिखने लगा, और एक पूरा परिवर्तन हो गया। खेती ही है, वहाँ दूसरा कुछ उद्योग है नहीं, तो खेती के लिए भी हमने 2-3 कृषि विश्वविद्यालय में उनको भेजा, कृषि विज्ञान केंद्र में उनको भेजा, वहाँ ट्रेनिंग कराया, वहाँ नए नए प्रयोग किए, सबकी खेती का सॉइल टेस्टिंग किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हर एक के फसल में वृद्धि हुई। गोपालन और पशुधन का विकास ये हमने किया। उसके साथ साथ गांव का पहाड़ था इसके पीछे, स्कूल के पीछे, तो मैं वन मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा कि इसको कंपाउंड बांधो, कंपाउंड बांध दिया, 2 हमने बोरवेल ले लिए और वहाँ 5,000 पेड़ लगाए। तो मैंने अधिकारियों को पूछा कि 5,000 पेड़ लगाए, लेकिन बारिश समाप्त होने के बाद उसको पानी कौन देगा? बोले नहीं, मर जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ा ही जंगल बढ़ाते, तो 10% बोले जिंदा रहेंगे तो भी चलेगा। मैंने अलग किया, मैंने एक मटका हर पेड़ के नीचे जहाँ रोप का पौधा लगाया था वहाँ मैंने मटका लगाया, और एक कपड़े का धागे से उसको पानी आएगा बाहर, ऐसी व्यवस्था की। और मटके में पानी कौन भरेगा? बोले गवर्नमेंट का लोग। मैंने कहा गवर्नमेंट का लोग नहीं लगाएंगे, गांव के ही लोग करेंगे। हर एक बस्ती को हमने हर 15 दिन का एक रूटीन बैठा दिया, और हर 15 दिन में वो पानी लेकर पूरे ऊपर पहाड़ पर जाकर सभी मटकों में पानी भरते थे। ऐसा कार्यक्रम जनसहभागिता से हुआ। आज देखिए वहाँ कितना बदला, एक पूरा जंगल बन गया। ये करना पड़ता है, गांव की पार्टिसिपेशन से ही गांव का विकास होता है। मैंने वहाँ एक भजनी मंडली थी, भजनी मंडली को भी उनका गाते थे बड़े मन से, लेकिन उनका ढोल और ये जो था हारमोनियम ठीक नहीं था। मैंने किसी से कहा कि इनको हारमोनियम दे दो, दे दिया, और वो इतना अच्छा कार्यक्रम करने लगे तो गांव में सब जगह गाने वाले, भजन करने वाले, उनका भी प्रोत्साहन मिल गया। उसी के साथ साथ हमने युवाओं को, एक युवा की तबीयत बहुत अच्छी थी, मैंने कहा कसरत कहाँ करते हो? तो बोले नहीं, घर में ही करता हूँ। मैंने एक मेरे सांसद निधि से वहाँ जिम बनवाई। मैंने कहा यहाँ आप करोगे काम? उसने कहा मैं करूँगा, संभालूँगा। तो वो संभालने का काम शुरू हो गया। फिर 35 युवाओं को हमने स्किल डेवलपमेंट का काम दिया, और देकर वो 35 के 35 आज काम करने लगे, उनको रोजगार मिल गए तुरंत। तो अच्छा प्रॉपर स्किल देना, तो गांव की, मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बताऊँगा। जिस 2 साल के बाद मैंने वहाँ से विदाई ली, जैसे कार्यक्रम में अपेक्षित था, तो वहाँ लोग रो पड़े, वहाँ हजारों लोग, सारा गांव इकट्ठा हुआ, और जैसे वो महिला ने कहा कि सर हम स्टैंड हो गए, तो गांव स्टैंड करना ये हमारा काम है। वहाँ ड्रेनेज की समस्या थी, वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या थी, हर समस्या का निदान हम कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि उन्नत भारत कार्यक्रम कैसा चले? उन्नत भारत कार्यक्रम ऐसा चले कि एक कॉलेज के 50 छात्र एक गांव को एडॉप्ट करें, 5-5 की 10 टुकड़ियां बनाएं, 1-5 छात्र जाके वहां स्कूल की स्थिति क्या है, छात्रों से, टीचर से, पेरेंट्स से चर्चा करें, वहां की स्थिति में कुछ बदलाव लाए एक साल भर में, 10 बार जाए, महीने में एक बार जाना है उस गांव में, और जब आपका छुट्टी है तब 4-5 दिन कंटिन्यूस जाना है, लेकिन वहाँ जाकर गांव वालों को विश्वास में लेकर ये बदलाव करना है। क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। फिर कोई 5 छात्र लेंगे स्वास्थ्य का विषय, भाई स्वास्थ्य केंद्र नियमित चल रहा है कि नहीं, डॉक्टर आ रहा है कि नहीं, दवाई मिल रही कि नहीं, और केवल कंप्लेंट करने के लिए नहीं, सब मिलके हेल्दी लाइफ के तरफ कैसे जाएंगे ये भी देखना जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ लोग वेस्ट मैनेजमेंट का देखें, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करे, ड्रेनेज कैसे बहे, स्वच्छता कैसी हो, 5 लोग स्वच्छता पर काम करें, 5 छात्र खेती पर काम करें,
पांच छात्र पेड़ लगाने का काम बढ़ाना, सब जगह मेड़ पर पेड़ ये काम करे, पांच लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करे, पांच लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में जो कार्यक्रम है वो करे, ऐसे 10 ग्रुप बनाकर 50 छात्र एक गांव में एक संवाद साधकर, प्यार होना चाहिए गांव के साथ और गांव वाले आपको जाते समय उनके आँख में पानी होना चाहिए कि भाई 2 साल आप आए और आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, हम सब मिलके अच्छे बड़े आगे, तो ये काम कर सकते हैं और ये होगा तभी क्रेडिट मिलेगा। कोर्स को ऐसा मत करो कि एक 15 दिन की छुट्टी में एक 10 दिन जाके एक गांव में छुट्टी मना कर आए और थोड़ा सा कुछ दिखाया, ऐसा नहीं है। ये साल भर में लगातार काम करना है तो आपको क्रेडिट मिलेगा कोर्स का, ये मेरी कल्पना है। मैं इसका हैंडबुक लिखने वाला हूँ, मैं अभी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हूँ, लेकिन आते ही मैं इसका हैंडबुक दूंगा, वो सबको पहुँचाओ, सिलेक्शन अच्छा करो और सीरियसली ये एफर्ट करो ताकि प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि हम पढ़ेंगे भी और देश आगे बढ़ेगा भी, तो कैसे बढ़ेगा, तो हम गांव में जाकर गांव वालों के साथ, वो हमारी पढ़ाई है, हमें शिक्षा मिलती है और समस्याओं को निजात करने के लिए, जैसे सभी घरों में टॉयलेट बनाना, एक पांच लोग उसी के लिए लगेंगे तभी ये होता है, और ऐसे जो भी गैप्स है वहाँ, फेल्ट नीड्स है, उसके लिए काम करें तब ये उन्नत भारत सार्थक होगा, नहीं तो एक कागजी कार्रवाई मात्र रह जाएगी। मुझे जैसे पहले सरकार की योजनाएं चलती थी ऐसी ये उन्नत भारत नहीं चलानी है। उन्नत भारत एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है और उस आंदोलन के आप सारे सैनिक बनो, यही मेरा कहना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थोड़ा लंबा बोला लेकिन अनुभव से बोला, इसलिए क्षमा प्रार्थी, थैंक यू।